वेरी गुड। अपना ध्यान खुद रखना है और अपने पेरेंट्स का भी। टुडे वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट क्लास कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर डीलिंग विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी आर डीलिंग विद द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैक्यूम ट्यूब और गैस और सेमीकंडक्टर्स। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस है सारी कौन कौन से बताओ मैम। टीवी, माइक्रो प्रोसेसर्स, मोबाइल्स। वेरी गुड। और एलईडी लाइट्स जो हैं वो भी एलईडी जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, एलईडी बल्ब जो है और रेफ्रिजरेटर। हाँ जी, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिक डिवाइस में फर्क होता है। हाँ जी, तो वो होता है डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है? जो हाई पावर हाई वोल्टेज जहाँ पे वर्ड यूज होता है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल। लो वोल्टेज लो पावर डिवाइसेस जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है मैम। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लो वोल्टेज के साथ डील करता है, लो वोल्टेज लो पावर सप्लाई के साथ। जो इलेक्ट्रिकल है वो हाई वोल्टेज हाई पावर। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रिकल से ही डेवलप हुआ है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, चार्ज कैरियर्स हैं, दे कैरी चार्ज। तो इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कहाँ से आता है, एटम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स क्या होता है, जिसमें हम मैकेनिज्म मोमेंट के साथ जो वर्ड है दैट इज मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पूरा टोटल वर्ड है इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। ठीक है, तो इन विच वी विल डील विद द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन वैक्यूम ट्यूब्स, गैस और सेमीकंडक्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्योंकि काफी हैवी वेट होता है इनका, इसलिए आउटडेटेड है। तो जो आजकल हमारा यूज हो रहा है डिवाइसेस के लिए दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, वी यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन ऑल द अप्लायंसेस एंड ऑल द डिवाइसेस दैट आर फैब्रिकेटेड ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो होम अप्लायंसेस में आपके जहाँ जिस चीज को देख लो आप उसमें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, आप जो रेफ्रिजरेटर है आपका, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, सारे होम अप्लायंसेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्योंकि आजकल जितने भी डिवाइसेस हैं लो पावर लो वोल्टेज के ऊपर वो हैं। ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशंस बताओ, कोई बता सकता है कहाँ पे वेंटिलेटर? हाँ मैं मतलब जो जैसे ऑक्सीमीटर हो गया, ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस में। हाँ, ऑक्सीमीटर हो गया और ईसीजी। ईसीजी जो है उसमें आप जैसे हम सीआरओ करते हैं, सीआरओ क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसमें भी हमारा मेन जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही हमारा जो सिग्नल है वो आपका आउटपुट पे आता है।
तो वही मैकेनिज्म जो है वो आपका ईसीजी और ईईजी में भी यूज होता है. ईसीजी आपका क्या है, जो हार्ट के लिए यूज होता है, ब्रेन के लिए ईईजी यूज होता है. रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीज यूज होते हैं. मैकेनिक, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, अब मैं तुम्हारे से बात कर पा रही हूँ, तुम्हें जो इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ से सेंड कर रही हूँ, तुम रिसीव कर रहे हो अपने मोबाइल के थ्रू. ये सारा जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज एक्चुअली एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी बैंड्स हैं. मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता ही होगा. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या है, एटम. ठीक है, एटम में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में मूव करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में क्यों मूव करते हैं, यस क्या मैम, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स मूव in the shells, why they वो shells तो होती नहीं है पहली बात. मैम वो shells तो होती नहीं है, वो electron clouds होते हैं जिनके अंदर electrons embedded होते हैं actual में. तो electrons shells में ही क्यों होते हैं, nucleus में क्यों नहीं होते? मैम वो उनको इनिशियली एक वेलोसिटी, एक वेलोसिटी मिली होती है ना, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, और वो फोर्स प्लस न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है उसका रिजल्टेंट एज रिजल्ट उसको एक सर्कुलर मोशन देता है, जिसको हम शेल्स कहते हैं. तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, व्हाट इज एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, ऋषभ इज वेटिंग इन द लॉबी, कैन यू लेट हिम, ओके. ये सबको क्लियर है यहाँ तक? व्हाट आर आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? हम एक एलिमेंट जो कि किसी एक्साइटेड स्टेट में हो. जैसे जैसे कोई भी एलिमेंट जिन पे चार्ज हो. जब कोई भी एटम जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन करता है, हाँ, तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन. अगर कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव आयन्स. ये आगे जो आयन्स हैं, इमोबाइल आयन्स, ये इसका आगे यूज होगा, क्योंकि जो हम इसमें डायोड्स करेंगे ना, उसका बेसिक जो है वो डिपेंड करेगा आयंस, आयंस के साथ आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट. जब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करेंगे तो उसमें हमारे आयंस जो हैं वो जनरेट होते हैं. तो वो जो आयंस हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, जो डिप्लीशन रीजन बनता है डायोड्स में, उसमें हमारा जो मेन रीज़न है वो आयंस की वजह से होता है. ठीक है, जब हम करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो अभी सिर्फ तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो नेगेटिव चार्ज आयंस हैं. ठीक है, तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव
चार्ज आता है तो उसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं. अगर कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिव, सॉरी, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम नेगेटिव आयन बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? यस, हम जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं शेयरिंग के लिए अवेलेबल होते हैं. यस, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. पी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दे रिक्वायर वेरी स्मॉल एनर्जी टू मूव दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल टू द कंडक्शन बैंड. ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर द लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस. ठीक है, दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी बैंड्स. एनर्जी बैंड क्या क्या होते हैं? वन इज वैलेंस बैंड, अदर इज कंडक्शन बैंड, एंड इसके बीच में क्या होता है? फॉरबिडन गैप. ठीक है, तो इस फॉरबिडन गैप से ही हमें पता चलता है कि जो हम हमारी जो एलिमेंट है वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या फिर सेमी कंडक्टर है. ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम से क्या है जिसमें हमें क्या पता है? देयर आर टू बैंड्स बेसिकली, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एंड दीज बैंड आर सेपरेटेड बाय a forbidden gap. Next is conductors, insulator and semiconductors. Conductors क्या होता है? जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करता है. ठीक है, एंड इंसुलेटर्स में क्या है? जो फॉरबिडन गैप जो है दैट इज वेरी लार्ज, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इन केस ऑफ इंसुलेटर्स. और सेमीकंडक्टर में ये जो फॉरबिडन गैप है इट इज वेरी लेस, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप ये किसके अंडर आते हैं? हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम. इसको क्या बोलते हैं हम? एनर्जी लेवल डायग्राम. क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हैं दे कैन बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन बी इंसुलेटर्स, दे कैन बी सेमीकंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स क्या होता है? मैम अच्छा, जिसमें से एनर्जी और हीट ट्रांसफर हो पाए. वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं. ओवरलैप करता है. इंसुलेटर्स में देयर इज लार्ज एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. अबे भैया मैं समझ, एनर्जी गैप होता है मैम जिनमें इंसुलेटर्स में, और सेमीकंडक्टर वो जिसमें थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करके हम उसे कंडक्ट करा पाए. यस, और सेमीकंडक्टर्स क्या है? जिसमें जो फॉरबिडन गैप है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो पहले हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज होती थी. ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स आजकल आउटडेटेड इसलिए हैं क्योंकि उसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते थे. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो पुराना सबसे पहले वाला कंप्यूटर था वो एक रूम से भी बड़ा था. तो उसका रीजन यही है क्योंकि उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो काफी ज्यादा बल्की होते थे. वैक्यूम ट्यूब्स उसमें जो है
वो यूज होती थी, मगर आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसमें मेन थ्री सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो यूज होती हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। जो जर्मेनियम है वो सबसे पहले मतलब इन्वेंट हुआ था, मगर उसका मेन जो डिसएडवांटेज है दैट इज टेम्परेचर सेंसिटिव, कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो सिलिकॉन है वो भी नेचर में अबंडेंट अमाउंट में हमें अवेलेबल है, मगर ये उससे बेटर है जर्मेनियम से। क्यों? क्योंकि जो इसकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी है वो एज कम्पेयर टू जर्मेनियम इज बेटर, ठीक है। तो ये उतना टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है जितना जर्मेनियम है। तो उसके अलावा हमारा जो थर्ड मेन सेमीकंडक्टर है दैट इज गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड जो है जितने भी आजकल के हमारे फास्ट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिसमें हमारे फास्ट एक्सक्यूज मी वेट फॉर अ मिनट। I'm sorry. तो क्या बात कर रहे थे हम? We were talking about semiconductors. Semiconductors में हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास basically three semiconductors हैं, silicon, germanium and gallium arsenide. Gallium arsenide की हम बात कर रहे थे अभी। तो जो gallium arsenide है इसके जो based हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनकी स्पीड जो है काफी हाई होती है, मगर इसका मेन जो डिसएडवांटेज है दैट इज इट्स हाई कॉस्ट, ठीक है। मगर जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी जो स्पीड है दैट इज वेरी हाई। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन मोशन। इलेक्ट्रॉन मोशन क्या होता है? जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। तो किस तरफ मूव करते हैं ये? पॉजिटिव। ये मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड ना, नहीं कैथोड, कैथोड। और मैम करंट उससे अपोजिट में मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे
Are you able to see this diagram? Yes, ma'am. ये कंडक्टर है. कंडक्टर में हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है. तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वी, ये इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में क्या है, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स होते हैं. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं अभी हम. ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जो होल्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, और जिस डायरेक्शन में हमारे होल्स मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है. ठीक है, तो जो टोटल कन्वेंशनल करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यहाँ पे आपको आई जो करंट है वो आपको दिखाई दे रहा है. तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में होल्स मूव कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट. ठीक है, अगर आप इसका टोटल करंट देखोगे, कन्वेंशनल करंट, दैट विल बी इक्वल टू आई ई प्लस आई एच. आई ई जो करंट है वो किस वजह से है, आई ई करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, और आई एच जो करंट है दैट इज ड्यू टू द होल्स. ठीक है, तो टोटल कन्वेंशनल करंट जो है सेमीकंडक्टर में वो किस वजह से फ्लो करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. ठीक है, मगर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, कि जिस डायरेक्शन में आपके होल्स मूव कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन. तो टोटल कन्वेंशनल करंट किसी भी सेमीकंडक्टर में किसके इक्वल होता है, आई ई प्लस आई एच या आई पी प्लस आई एन. पी इज पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो होल्स हैं, एन इज नेगेटिवली चार्ज आयन. नेगेटिवली चार्ज आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. मैम एक बार रिपीट करना. किसी भी सेमीकंडक्टर में जो करंट है दैट फ्लोज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपने देखा होगा कि आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी वो कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर. तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंडक्शन बैंड में हो. ठीक है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज कैरी नहीं करते, चार्ज मतलब वो मोमेंट जो है उसकी वजह से करंट नहीं होता. जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होते हैं उसकी वजह से जो है करंट फ्लो करता है. तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स, अब आगे जाके हम ना जब इसका स्ट्रक्चर करेंगे तो तुम्हें इजीली समझ आएगा कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब जाते हैं तो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है. तो जितने जैसे अब सेमीकंडक्टर है उसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में हैं, दीज आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और थोड़ी सी एनर्जी जैसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. तो उस वजह से वैलेंस बैंड में जो एक डेफिशिएंसी जो हो जाती है उसको हम बोलते हैं होल्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ से
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले गए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो जितने नंबर ऑफ होल्स हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं हमारे प्योर सेमीकंडक्टर में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर? प्योर सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में होंगे, जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो हमारे वैलेंस बैंड में होंगे। ठीक है? तो इसलिए ये जो डायग्राम है इसमें आपको एक ब्लू कलर के सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं और एक वाइट कलर के। ब्लू कलर के जो सर्कल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वाइट कलर के सर्कल्स हैं वो आपके होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, दे आर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो होल्स हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो टोटल कन्वेंशनल करंट जो है किसी भी सेमीकंडक्टर में दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। ठीक है? तो टोटल कन्वेंशनल करंट जो होगा I, दैट विल बी इक्वल टू IE प्लस IH। IE जो है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है, IH जो है दैट इज करंट ड्यू टू होल्स। समटाइम्स बुक्स में IP प्लस IN लिखा होता है। IP जो है P स्टैंड फॉर होल्स एंड N स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो IE या IN सेम चीज है, IH और IP दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं जैसे मेटल्स हैं इसमें जो करंट है दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि क्यों ऐसे है कंडक्टर के केस में, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है। तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कहाँ पे अवेलेबल है, हमें कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है। जो हमारे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे कंडक्शन बैंड में होंगे दे आर यूजेबल फॉर अस। क्यों? क्योंकि वो जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। जब वो मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर कैरिंग चार्ज। अगर वो चार्ज को कैरी करके चल रहे हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, करंट। ठीक है? करंट जो है वो करंट मीन्स क्या हो रहा है, चार्ज का मोमेंट हो रहा है। और चार्ज का मोमेंट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं। क्लियर? तो हमेशा जब भी हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स भी तो एक चीज ध्यान रखना, जो हम जरूरी नहीं है कि जो करंट हम यहाँ जो डायरेक्शन एज्यूम करते हैं न्यूमेरिकल्स में उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सर्किट। मगर जब भी हम डायरेक्शन एज्यूम करते हैं वो हम हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही एज्यूम करते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे करंट भी हमेशा हमारा ऐसे ही फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे आपने देखा होगा वाटर का फ्लो कैसे रहता है, जैसे एक हायर लेवल पे है और एक लोअर लेवल है तो पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही फ्लो करता है। ठीक है? तो ऐसे ही करंट भी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर कोई डिवाइस जैसे रेजिस्टेंस है उसके एक टर्मिनल पे वी ए पोटेंशियल है, दूसरे टर्मिनल पे वी बी पोटेंशियल है, तो करंट की डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि पोटेंशियल एट पॉइंट वी ए ज़्यादा है या वी बी ज़्यादा है। ठीक है? तो हमेशा हम जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे एज्यूम करते हैं किसी भी सर्किट में, कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। तो
दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. तो डायरेक्शन जो है वो कैसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस डायरेक्शन में, चाहे वो कंडक्टर्स हैं चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हैं. वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमारे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं. क्लियर? तो इसमें मेन चीज है वो यही है कि जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें जो करंट है दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन. That is in the same direction of flow of holes, but in the opposite direction of flow of electrons. ठीक है, तो जो सेमी कंडक्टर में टोटल करंट है दैट इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच. आई ई जो करंट है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, आई एच जो करंट है दैट इज ड्यू टू द होल्स. नाउ comes to classification of semiconductors. There are two types of semiconductors. One is intrinsic semiconductor and other is extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor kya hai? Pure semiconductor is known as intrinsic semiconductor. Although jab koi bhi pure semiconductor ko hum kisi device mein use nahi karte, kyunki जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है दैट इज इसमें कंडक्शन जो है वो कम रहता है. ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं. इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या है आपका? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? Any semiconductor that is in its pure form, ठीक है, तो silicon और germanium जो हैं these are both hard tetravalent. Tetravalent means these are having four valence electrons. तो structure जो है silicon और germanium का कैसे होगा? Crystalline structure of silicon. Silicon जो है वो brown color का जो सर्कल है उससे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और जो ब्लू कलर है वो क्या है? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो एक सिलिकन जो एटम है इसके साथ फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सिमिलरली एक सिलिकन एटम आगे फोर अदर सिलिकन एटम्स, अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें सिलिकन का, तो एक सिलिकन जो है वो अदर फोर सिलिकन एटम्स के साथ एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. जो आपको ये ऐसा ये वाला जो स्ट्रक्चर है नेक्स्ट क्लास हम जूम पे ही लेंगे. एक्चुअली इसमें एनोटेट नहीं कर पाते हम. मैम इस हम ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो कोई भी जब हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है कि जैसे एक सिलिकॉन एटम में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस सिंगल सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय फोर अदर सिलिकॉन एटम्स. ठीक है, तो फोर सिलिकॉन एटम्स के साथ ये सराउंडेड है, तो हर एक जो आपके वैलेंस बैंड सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइंड है? थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड. तो
at low temperature, all these valence electrons are tightly bound with the nucleus. So there is no free electrons available for the conduction. So at zero temperature, जो आपका semiconductor है, that behave as an insulator. Clear? Next, at room temperature क्या होता है? Due to thermal agitation, कुछ covalent bonds जो हैं, वो break हो जाते हैं. क्यों break होते हैं? क्योंकि thermal energy के कारण क्या होता है? ये जो electrons हैं, वो valence band से conduction band में चले जाते हैं. क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का जब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम किया था तो उसमें आपने देखा था कि जो इसमें फॉरबिडन गैप होता है सेमीकंडक्टर्स में दैट इज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी स्मॉल एनर्जी. एट रूम टेम्परेचर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं थर्मल एनर्जी गेन करके they will move from the valence band to the conduction band. So, उस time पे आपके जो covalent bond है वो break हो जाते हैं. जैसे you can see from this diagram, ये यहाँ पे जो electron था वो आपका कहाँ चला गया? Valence band से conduction band में चला गया. अब ये जो conduction band में electron गया, ये वाला हमारा electron जो है, ये conduct ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है चार्ज कैरियर है. इस टाइम पे जो कोवलेंट बॉन्ड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. इस टाइम पे ये एनर्जी कैरी नहीं कर रहे, ये चार्ज कैरी नहीं करके मूव नहीं कर रहे. मगर जो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन थर्मल एनर्जी गेन करके कहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल्स. ठीक है? तो इन प्योर सेमीकंडक्टर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ होल्स. ठीक है? जैसे हमने अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल का वो देखा था कंडक्शन, तो ये वाले डायग्राम में आपने देखा था कि अगर हमने फोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनाए हैं तो फोर ही होल्स यहाँ पे बनाए हैं. तो फोर इलेक्ट्रॉन्स और फोर होल्स का रीजन यही है कि जब भी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं हम? होल्स. क्लियर? तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ होल्स. ये चीज आपको याद रहनी चाहिए. आगे जाके हम डेरिवेशंस करेंगे, मैं उसमें आपसे पूछूंगी. ठीक है? प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रेशियो क्या रहता है? यस, इक्वल. यस, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर इक्वल. ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ लिटिल यूज क्योंकि उसमें कंडक्शन जो है वो बहुत कम होता है. अगर मेन हमें क्या चाहिए? कंडक्शन चाहिए. फ्री चार्ज कैरियर चाहिए. जितने फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे हमारा उतना कंडक्शन बेटर होगा. तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं. इम्प्योरिटीज आर एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी. तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है? जो हम
इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉपिंग, ठीक है। और जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर है या इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डॉपिंग क्या होता है? I'm adding impurity. The process of adding impurity to the semiconductor. और जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर है, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास फर्दर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड अदर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जो है वो ऐड करते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में। तो उसके बाद जो हमारे पास सेमीकंडक्टर जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटावेलेंट? द एलिमेंट्स हैविंग फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। फाइव मीन्स पेंटा, ठीक है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फॉस्फोरस हो गया, all these elements have five valence electrons in their outermost shell. So these semiconductors can donate electrons very easily. कैसे? वो आगे हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये सिलिकॉन एटम है, इसमें हमारे फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटीज पार्ट्स पर मिलियन में ऐड करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? बड़े स्मॉल अमाउंट में एलिमेंट एटम्स आपके सिलिकॉन के हैं, तो उसमें वन एटम हमने आर्सेनिक या फॉस्फोरस या फिर एंटीमनी इम्प्योरिटीज अगर ऐड भी करी हैं, तो वी कैन सी दैट कि एक जो हमारी इम्प्योरिटी एटम है जैसे आर्सेनिक है, तो इसके इट इज सराउंडेड बाय ऑल सिलिकॉन एटम्स। इसके आसपास क्या होंगे? सिलिकॉन एटम्स होंगे, क्योंकि इम्प्योरिटीज हम हमेशा बहुत कम अमाउंट में ऐड करते हैं। मेन जो आपका सेमीकंडक्टर है वो आपका सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा या गैलियम आर्सेनाइड होगा। जैसे अब सिलिकॉन हमने लिया, सिलिकॉन में जब हमने इम्प्योरिटीज डाली पेंटावेलेंट, तो वी कैन अज्यूम दैट कि वो फोर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अदर सिलिकॉन एटम्स के साथ बना रहे हैं, मगर उसका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है दैट इज वेरी लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। तो ये जो फ्री लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मगर जैसे ही हमने इसमें आर्सेनिक डाला, तो फोर कोवलेंट बॉन्ड ये अदर सिलिकॉन एटम के साथ बना लिए इसने, मगर जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसका, वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, इसलिए इसको बहुत स्मॉल एनर्जी चाहिए होती है टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भी जाते हैं, मगर जो कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, उसकी वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको हम होल बोलते हैं। मगर जो यहाँ पे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ से मूव करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, उसकी जो वैकेंसी है इसको हम बोलते हैं इमोबाइल आयन, ठीक है। इसको इमोबाइल आयन क्यों बोलते हैं? यस एनीवन? मैम क्योंकि बड़ी स्मॉल एनर्जी प्रोवाइड करने पे मूव कर जाता है, क्योंकि इसको इमोबाइल लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कांट मूव, ठीक है। दिस
जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है. एक्चुअली अभी मैं तुम्हें एनोटेट नहीं करके बता पा रही ना, तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगी कि यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको इमोबाइल लाइन क्यों बोलते हैं. जो यहाँ पे वैकेंसी कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको हम होल बोलते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होल एंड इमोबाइल लाइन. होल जो है क्योंकि उसकी वैकेंसी को कवर अप करने के लिए सात में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उस वैकेंसी के अंदर आ सकता है, होल के अंदर जा सकता है. मगर जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फोर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिलिकन के साथ बन गए, मगर जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था आर्सेनिक का वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है मगर कोई भी कोवलेंट बॉन्ड के साथ वो अटैच्ड नहीं है. तो इसलिए जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई उसको हम इमोबाइल लाइन बोलते हैं. ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन होल एंड इमोबाइल लाइन. होल्स हमारे कब जनरेट होते हैं, कब बनते हैं, जब हमारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड कब ब्रेक होते हैं, जब हमारे ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं. मगर जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, तो उसके बाद जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है. तो उस वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होती है उस वैकेंसी को हम बोलते हैं इमोबाइल लाइन, क्योंकि इट कांट मूव. ठीक है, इमोबाइल मींस इट कैनॉट मूव. तो ये जो इमोबाइल लाइन है ये किस वजह से है, क्योंकि इसमें फाइव इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, फोर इलेक्ट्रॉन्स ने फोर कोवलेंट बॉन्ड बना लिए सिलिकन के साथ, मगर जो फिफ्थ था वो फ्री था. ठीक है, तो इसलिए जो फ्री था वो उसको बहुत मिनिमल एनर्जी चाहिए होती है टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. एक्चुअली ये हमेशा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम. क्योंकि आगे हम डायोड्स और वो करेंगे ट्रांजिस्टर्स, तो उसमें आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किस वजह से हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या है. ठीक है, तो होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और इमोबाइल आयन तीन चीजें होती हैं किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, वन इज इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर इज होल्स. देयर इज नो इमोबाइल आयन. ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर होल्स होंगे, मगर इम्प्योर सेमीकंडक्टर में तीन चीजें होंगी, एक इमोबाइल आयन और एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम जूम पे लेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से एनोटेट करके बताऊंगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो बाकी चीजों को रिलेट कर पाना बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए. दैट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास. एनी डाउट? नो मैम. अटेंडेंस कौन ले रहा है? अटेंडेंस हो गई है मैम. मनमीत? यस मैम. आप ले रहे हो ना? यस मैम, ले ली अटेंडेंस. ओके, थैंक यू. एनी डाउट अप टू दिस? नो मैम. ओके, यू कैन लीव द मीटिंग. थैंक यू मैम.